তাহলে কাজটা ভালো তোমাদের बच्चे लोग के क्लास में चिल्लाते हैं कि हमें जाना है, हमें जाना है, कोचिंग करना है, चिल्लाते हैं क्या? तुमको यार एक बात बता दो, अगर तुमको 6:30 बजे आओगे ना तो हमको 6:30 बजे पिक कर देंगे, मैं आपको ला जाएगा। अभी आने का क्या आ जा रही है ना, कल तो नहीं आएगी, मत आने से। अरे कल से आएगी तो तुम्हें दुखी होना चाहिए। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी, कैसे आप? जीवन अच्छा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है सर। तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो घर में क्या कर रहे हैं? ड्यूटी देना था ना तेरे को? नहीं सर, आज मेरी बारी नहीं थी सर। अच्छा ओके। लगता है फीवर हो गया है लोगों को। क्या हुआ? मैं अजीब लग रहा हूँ? नहीं नहीं, आप बताना खा लेना। अच्छा,
कुछ गायब हो गया क्या? अब तू अगर ऐसे क्या बोलते हैं मूंग दाल सामने में रखेगी तो क्या होगा? भगवान बताते हैं भगवद गीता वर्स नंबर 2.62, ठीक है? तुम लोग सब सामने हो ना, चलो मेरे साथ रिपीट करो। ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु पजायते। इसका मतलब क्या है? ध्यायते, मैं ध्यान कर रहा हूँ। विषयान, ये एक विषय का ऑब्जेक्ट है, ये जो सामान में पकड़ा हूँ ये क्या है? ये विषय है, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम्हारा फिजिक्स बुक वो भी एक विषय का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो ध्यायते विषयान पुंसा, बार बार अगर मैं इसमें ध्यान करता हूँ, बार बार देखते रहता हूँ, संगतेषु पजायते, क्या हो जाएगा? संगत, संग मतलब अटैचमेंट आ जाएगा, ठीक है ना? उपजायते मतलब प्राउड हो जाएगा। हंस क्या रही है? भगवान बोले सच में, किसी भी चीज में, इवन ए पीस ऑफ प्लास्टिक, इफ यू कंसिस्टेंटली मेमोराइज, मतलब रिपीटेडली थिंक अबाउट इट, यू विल बी अटैच्ड विद इट, ठीक है ना? अगर आप किसी भी चीज के बारे में, कितने बच्चे हैं ऑनलाइन? 36 पार्टिसिपेंट्स, मोर आर येट टू जॉइन, 8-10 का टाइम दिया था, मैं ही जल्दी स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना? तो ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु पजायते, ठीक है ना? संजय संगत संजायते कामा, बोल रहे संगत, बोल रिपीट कर, संगत संजायते कामा, क्रोधा भी जायते, ठीक है ना? तो जब किसी से अटैचमेंट आ जाएगा, जब किसी से अटैचमेंट आ जाएगा ना, तो अटैचमेंट से क्या डेवलप होता है? लस्ट। लस्ट का मतलब आई विल एंजॉय दिस, ठीक है ना? ये मेरा है, 5 रुपए का मूंग दाल पैकेट, ठीक है ना? तो संगत संजायते कामा, कामा क्रोधा भी जायते, ठीक है ना? और अगर कोई मेरे से ये छीन लेगा, ठीक है ना, तो अगर लस्ट जो है, लस्ट पूरा हो जाएगा तो क्या होता है? लस्ट अगर पूरा हो जाएगा तो ग्रीड पैदा होता है, ठीक है ना? एक पैकेट मिला मेरे को, अगले बार 2 पैकेट खाएंगे, ठीक है ना? लस्ट पूरा होने से क्या होता है? ग्रीड का उत्पन्न, ग्रीड उत्पन्न होता है, पसीना पसीना हो गया बेचारा, ठीक है ना? लस्ट पूरा होने से क्या होता है? ग्रीड। और लस्ट पूरा नहीं होने से क्या होता है? एंगर, ठीक है ना? संघर्ष, संघर्ष क्या बोल रहा था मैं, भूल गया, फ्लो फ्लो में भूल जाता हूँ। आइए, संघर्ष संजायते कामा, कामा क्रोधा भी जायते, ठीक है ना? तो क्रोध आ जाएगा अगर नहीं होगा पूरा, तो क्रोधा भवति सम्मोह, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जाके पढ़ो इस वर्ग को, ठीक है ना? भगवान ने क्लियरली स्टेट कर दिया है कहां से कौन सा प्रॉब्लम स्प्राउट होता है, ठीक है ना? तो अगर तुम रूट कॉज को पकड़ लोगे तो सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म है। व्हाट इज द रूट कॉज? ये मूंग दाल मेरी आंखों के सामने आया, दैट इज द रूट कॉज, ठीक है ना? तब तो मैं देखा ना, ध्यायते विषयान पुंसा, जिस चीज के ऊपर आप कंटेम्पलेट करोगे उससे अटैचमेंट, अटैचमेंट से, अटैचमेंट जो है अटैचमेंट को पूर्ति करने के लिए लस्ट, लस्ट पूरा हो गया तो ग्रीड, ग्रीड पूरा नहीं, लस्ट पूरा नहीं हुआ तो एंगर, ठीक है ना? और जैसे भी जाके जो है अगेन यू विल फॉल टू द मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए क्या करना है? इस चीज को अपनी आंखों से दूर रखना है, पकड़ उसको दे चाची का है, बैग के अंदर डाल, खा रही है यहाँ पे बैठ के, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। हरे कृष्ण सर। 45 हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण सर, 12-13-14 आइए आइए आइए, 60 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। तू आया, मेरे को अच्छा लगा। डाउट्स वगैरह है? होमवर्क हो गया? जितने बच्चे हैं होमवर्क निकाल लो आज थोड़ा सा, जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन नहीं करते ना तब तक थोड़ा होमवर्क वेरीफाई कर लेते हैं। मात्र 101 कितना हो रहा है? सिर्फ 52 हुआ, नहीं 52 हुआ, 53 54
लीजिए सर। कितना क्या रे, तुम लोग को 100 तक करने बोलता हूँ मात्र, उसके बाद से बनाएंगे। मैं छोड़ दिया, दो दिन से नहीं किया मैंने। ये कोई गर्व की बात नहीं है। हाँ मैं डरूंगा, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा बस 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 क्या होता है। अरे हरे कृष्ण, कितना 100 बना लिया, तुमको इनाम मिलना चाहिए। 70 बनाए, कॉपी दिखा। क्या इस तरफ मारी, नहीं हाथ मिला रहा हूँ मैं। 84 कितना बनाई है, ध्यान से क्या 100 तक करते, 30 डाउट रख देती। ऐसा नहीं होता है, तो नहीं बनाई होगी। कितना बनाई है, पूरा खत्म? तू तो चेस खेलने गई थी, कैसे खत्म की? कितना 80 कहाँ बनाई, 30 बनाई है तू। नहीं सर, ये तो आप समझा रहे थे ना, मैं उसके बाद लिख देती हूँ। ये इधर इधर और होमवर्क सर, होमवर्क क्या था सर? ये देखिए सर, 77 मतलब फोन ही रहा था सर, 73 तो क्यों? देख क्यों नहीं हो रहा उसका रीजन मैं बता सकता हूँ, बाद में बताऊंगा। ये किसका बदौलत है, खुद का बदौलत? खुद के, दो तीन दिन से भरोसा है मेरे को, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रही है आजकल, वो बाल भी काट ली। चाची कहाँ तक बनाएगी? अरे 64 ओनली, ये क्या है, ये क्या है? कहाँ विश्वास, कितना रे? हाँ 120। चलो फिर, कल कहाँ तक डिस्कस किया था जी? मात्र 32-33 तक किया गया था, और उसके बाद मैंने बोला था कि तुम लोग 2-3 तो बना के रखना, वो भी तो याद करो। कितने बच्चे हैं क्लास सर? बहुत कम बच्चे हैं यार आज। नालायक, कितना साल के बाद क्यों आए रहे तू? तो इधर आके बैठ जा, इधर बैठ के कंप्यूटर कर। कौन माना क्या को? वो भी कोई पढ़ने वाला चीज है? तो किधर बैठेगी? तुमको फर्स्ट बेंच में ही बैठना पड़ेगा। नहीं सर, फर्स्ट बेंच में नहीं बैठूंगी। जा पानी पड़छे और टिकट खसकाई दियो। पड़ी पे नहीं टिकट की हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे हुआ, तुमने किया, दिखा मेरे को। कल मैंने बोला था ना, मैं बताया हूँ सिमिलर टाइप है। कहाँ है, तुमने किया ही नहीं। किया वॉमिटिंग लग रहा है, जा जल्दी जा गिव हर स्पेस। एक काम करो भाई, ओए हीरो, तुम लोग जो है उधर बैठ जाओ, उनको उधर ही बैठने दो, ठीक है?
ठीक है ना, कभी अगर अचानक से वॉमिटिंग आया तो जा पाएगी ना। हाँ लास्ट बेंच में चले जा, ऐसे भी तुम लोग का तो आना जाना और होने वाला नहीं है, एक बार वहां बैठ जाएगा परमानेंट हो जाएगा। क्या हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है क्या किसी का? क्वेश्चन 33 एनीवन? नो वन। 34 क्वेश्चन 33 से इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना एग्जिस्ट इन स्पेस? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है चाची? हाँ वाई एक्सिस। तो मैं अपन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बना सकते हैं, चलेगा? ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, एक पार्टिकल का मास है एम, चार्ज है क्यू, इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। बता तो उसको कैसे फेंका, ऐसे ऐसे फेंका? इतना दिमाग में आता है कि वो चार्ज एम और क्यू को ऐसे फेंका गया है? इतना भी हो गया विद ए स्पीड वी फ्रॉम ए पॉइंट डी कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है इसको ऑरिजिन ले लेंगे जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो किस पॉइंट से फेंका है उस इडियट ने? उस इडियट ने एक पॉइंट से फेंका है जिसका कोऑर्डिनेट है डी कॉमा जीरो कॉमा जीरो, मास एम चार्ज क्यू। क्वेश्चन देखिए इतना समझ में आता है? आता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट हिट द वाई जेड प्लेन, विच इज वाई जेड प्लेन? ये तो एक्स लाइन हो गया, ठीक है ना संजय ना, तू बता, ये वाई लाइन हो गया और ये हो जाएगा तुम्हारा जेड लाइन। तो वाई जेड प्लेन मतलब कौन सा प्लेन? ये प्लेन। तुमको बोल रहा है पार्टिकल को कितना वेलोसिटी से मारेंगे कि पार्टिकल जो है वाई जेड प्लेन को हिट नहीं करेगा, कैसे करेंगे बता? खड़ा खड़ा आयुष के बगल वाला, हाँ खड़ा ना, रुक जा खड़े रहना, कैसे करेंगे बता? ये पार्टिकल को जो है, ये पार्टिकल को मैं ये ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ये पार्टिकल को ऐसे फेंका और मैं बोल रहा हूँ कि ये वाई जेड प्लेन मतलब इसको टच भी नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसे फेंका, क्या होगा बता? पहले तुम लोग से पूछ रहा हूँ, इडियट छटपटा रहे, भागेगा किधर भी, होगा क्या मतलब? ऐसे ऐसे आएगा या फिर ऐसे चला जाएगा, क्या होगा? ऐसे जाएगा ना, रुकिए, क्या तू बोल दिया ऐसे जाएगा तो मैं ऐसे भेज दे रहा हूं, तब तो वाई जेड प्लेन को पार कर गया। इधर बैठ, इधर बैठ, वो आ जाएगा तेरे सामने, तू बैठ तो। ये बच्ची बोल रही है इधर जाएगा, राज प्रतीक ये बच्ची सही बोल रही है? ये मैं बोला कि मैं इस चार्ज पार्टिकल को, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है बाबू, वाई एक्सिस की साइड ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका, घूमेगा क्या? तो तुमको तब से सीधा काहे को दिख रहा था? आंसर हो गया या फिर नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ ना? यस सर, हो गया। नहीं नहीं बच्ची के लिए नहीं हुआ अभी। दिस विल नॉट टच द वाई जेड प्लेन इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल हैपेंस टू बी लेस देन डी। ये तुमको सोचने का है। अब ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में डाल दूंगा तो बोलेगी डिफिकल्ट। नहीं है डिफिकल्ट, अभी तक 35-36 क्वेश्चन बनाए और सब में तो नालायक गोली घूम रहा है, इसमें कहां से सीधा चल जाता है? राइट, हो गया ना सच में, ये नहीं हुआ अभी। अब आते हैं 34 में, कौन बोल रहा था नहीं बना 34? तेरा तबीयत खराब है आज, छोड़ दिया तेरे को, जा तबीयत खराब है सही में। वो कैसे आई, तू लेके आई उसे? तो पापा लेके आए, मम्मी लाई, कोई दिक्कत नहीं है।
ये CWS हॉस्पिटल 1.5 किलोमीटर है। ज्यादा दूर नहीं है, पहुंच जाएंगे। ये लोग कौन है? तुम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तुम लोग लेट आए, उस रूम में लाइट जला के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दो, इस बगल वाले रूम में। और जगह कहाँ है? हाँ उधर भीड़ आ गया है पूरा। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। एक यहाँ, एक यहाँ। अरे यहाँ पे दो दो लैपटॉप है चाची, कहाँ से बैठेंगे? नहीं वहाँ तीन जन नहीं बैठेंगे, वो दो दो मेल कैंडिडेट से, मेल के साथ फीमेल्स नहीं बैठते। हाँ अरे क्या टैलेंट है, कहाँ थी तू इतने दिन से? ठीक है ना, ये इसको फिजिक्स में क्यों नहीं इस्तेमाल करती? सोनाली प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यूस्कर साइन थीटा। वाह भाई जी, 2 किलो जहर पीजा। यूस्कर साइन 2 थीटा बाई 34। ए पार्टिकल विद चार्ज क्यू एंड मास एम एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड। प्राप्ति मिश्रा एग्जिस्ट ओनली ऑन द रीजन बाउंड्री वाई जेड। ओके द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ बी। लेट टाइम पीरियड इज 2πm/qb। टाइम पीरियड तो हमेशा 2πm/qb ही होता है। पूछ रहा है द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द फील्ड विल बी। खड़ी हो जा। हाँ गिरने दे। तेरे पापा को फोन कर देता हूँ मैं, बच्ची बात ही नहीं सुनती। क्या है मतलब, मैं बोला खड़ी हो जा, तू खड़ी नहीं हो रही है। अब जो है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ माताश्री। ये जो है ये इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्रॉस है, ऐसे करके तू एक चार्ज पार्टिकल को फेंकी जिसका एंगल है थीटा। मेरे को बताना वो कैसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा या ऐसा घूमेगा? उसका मोशन कैसे वाला है, कैसे होने वाला है? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 आप चेक करके बताइए मुझे, ठीक है ना? बाकी लोग रेडी रहिए, मैं आपसे इंस्टेंटली आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपके दिमाग में रहना चाहिए 1 या 2 में से कोई एक, इंस्टेंटली मुझे रिप्लाई करोगे और पहली बार में जो बोलोगे वही मैं करेक्ट आंसर कंसिडर करूंगा। ठीक है, तू भी सोच, तेरे से पूछूंगा अभी। घुमा लो उंगली, घुमा लो। अब चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव हो गया और क्या? पॉजिटिव। कैसे 1 या 2? हाथ दिखा, रुक। 1 या 2? दे तू सही नहीं है। तू सही था, तू सही था। अरे गधे, वी क्रॉस बी, बी अंदर की तरफ है, वी क्रॉस बी अंगूठा किधर है? तो इधर खींचेगा की तरफ, इधर खींचेगा तो कैसे घूमेगा वो? ऐसे घूमेगा। वो पहला वाला स्टिक खाने वाला 58 और क्लास में 20 68 70। हाँ ठीक है, इतने ही आते हैं और आते नहीं है, 3-4 बच्चे एब्सेंट ही रहते हैं हमेशा। प्रियांशु आया है तू सेक्शन बी? प्रियांशु अमित कुमार हेम्ब्रम। यस सर। अमित तेरा मैथ्स का मार्क आया था 45 आया है, मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं तेरे को भेज दूंगा।
यस सर ठीक है तेरे पापा थोड़े कंसर्न थे सर और तो यार तू अपने पापा को बताया नहीं पेरेंट्स मीटिंग था हाँ तेरे पापा कल आए थे बोले कि उनको पता भी नहीं है क्या रे ठीक है कोई दिक्कत नहीं किस दिन आया पापा के साथ मेरे सामने कल आज ये भाई इतना नॉइज क्रिएट कर रहा है ना बैठ क्या बोलते हैं बंद कर माइक बंद कर तू रहने दे बाकी इसके आगे आंसर कर लेगी कैसे करेगी क्या ट्राई करेगी गंदी है क्या ट्राई करूंगी अरे ऐसे करके अगर कोई आ रहा है यहाँ पे एंगल कितना बनाया वो इडियट यहाँ पे एंगल वो थीटा बनाया ठीक है ना यहाँ पर भी जो है मतलब टेंजेंट लाइन जो है ऐसे बन रहा है ठीक है ना देखो सर्कल का जो है सर्कल में टेंजेंट और रेडियस जो है वो 90 डिग्री होता है यहाँ पर भी अपन क्या कर थोड़ा फेर वर के कर दो यार और दोबारा ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ठीक है ऐसा करके एक पार्टिकल गया इधर देख चाची ऐसे करके घूम के वो ऐसे करके निकल गया ठीक है ना व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ये निकाल ले कहानी खत्म ठीक है ना इतना देर ठीक है ना टुप्पाई घूमने के लिए कितना टुप्पाई एम बाई क्यूबी फिट्टा घूमने के लिए कितना फिट्टा एम बाई क्यूबी दोबारा नहीं आना चाहिए क्वेश्चन मेरे सामने ठीक है ना पीटूंगा फिर बताऊंगा मैं सही में छड़ी लगाऊंगा अब ये एंगल निकालना जो है ये एंगल निकालना डिफिकल्ट है क्या ऐसे करके एक दो डंडा खींच देना रे बाबू मैं तो ये भी बता चुका हूँ कि ऊपर और नीचे का एंगल सेम होता है कौन सा एंगल तेरे को दे रखा है जट से ये वाला एंगल दिया होगा मेरे को पता नहीं ये दिया है नीचे दिया है एंगल तेरे को थीटा दिया है अरे इडियट अगर वो वाला एंगल थीटा दिया है ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा दिस अगेन विल बी थीटा ये थीटा तो ये कितना 180 माइनस 2 थीटा पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो कमाल करते हो तुम लोग मैं बोला था कि मैं इसको बताया हूँ दोबारा करो हो जाएगा तुम लोग किए नहीं और आ गए यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन को मैं चार बार भी बता दूंगा ना फिर भी एग्जाम में गलत करेगी 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 क्वेश्चन नंबर 35 है क्या किसी का बनाइए ना For the given figure, a charged pair of mass m and charge q. Mass m, charge q, okay. Start sliding from rest, okay. अच्छी बात है. On a vertical fixed circular track of radius r from the position shown below. ठीक है. There exists uniform and constant horizontal magnetic field of induction B. मतलब magnetic field इतना है. The maximum force exerted by the track on the sphere is. खड़ा हाँ ना लाइक खड़ा सिचुएशन कुछ ऐसा दिख रहा है ऐसा 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 सिचुएशन है कुछ मैग्नेटिक फील्ड गया तेल लेने ये जो बॉल है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम फोर्स ठीक है ना अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता इस बॉल को मैक्सिमम फोर्स कब लगता सबसे नीचे हो जाता क्यों और अच्छा मैक्सिमम फोर्स कितना लगता mg qbb मैं बोला मैग्नेटिक फोर्स तेल लेने गया है किशन प्रजापति तू ही है ना जो बोला mg तेरा मर्डर कर दूंगा मैं अभी सर नहीं बट mg मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोले अच्छा राउत्रे वो लड़का जो बोला वो सही पॉइंट आउट किया कि जब ये नालायक नीचे पहुंच जाएगा तब इसको मैक्सिमम फोर्स लगेगा मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा एक बंदा जब गोल घूमता है ना तो एक फोर्स पैदा होता है कौन सा फोर्स पैदा होता है और इसका वी जो है जैसे जैसे नालायक नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है
बढ़ रहा है बढ़े मास्क पहने है ना ये लोग क्या बोल रहे थे घट रहा है बोलेंगे फिर बोलेंगे बढ़ रहा है ठीक है ना और फिर मैं बोलूंगा पिछले बार जो है तुम बोल रही थी घटा है नहीं नहीं सर मैं तो दोनों बार बोली थी बढ़ा है ठीक है ना अच्छा फायदा उठा रही है तो नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक फोर्स जो मैक्सिमम बन जाएगा नीचे जाते जाते वो कौन सा फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय आर नाउ एम वी स्क्वायर बाय आर एम तेरे को दिया है आर तेरे को दिया है वी कैसे निकालेंगे लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक mgh is equal to half mv square by r कर रहा सॉरी mgh is equal to half mv square कर दोगे वहां से वेलोसिटी कितना आ जाएगा वेलोसिटी निकल के आ जाएगा √2gh कर करके थक चुके हैं लास्ट ईयर लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक v √2gh तो तेरा mv square by r is one of the force दूसरा mg को अकाउंट में लेना है कि नहीं वो ऑप्शन देखने से पता चलेगा लेना है ठीक है ना mg किधर लगेगा नीचे लगेगा तो नीचे लगेगा square by r किधर लगेगा ठीक है नीचे या ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे नीचे या ऊपर इसके बारे में डिस्कस करें आप बुलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को ठीक है ना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो फोर्स देता है वो फोर्स कभी बढ़ता है या घटता है वो फोर्स कांस्टेंट रहता है क्यू वी बी ठीक है ना नालायक यहाँ पे वी बढ़ जा रहा है ठीक है ना तो नेचुरली फोर्स भी बढ़ेगा ठीक है ना मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स पैदा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी और ए डायरेक्शन सर ऊपर तो अगर तुम्हारा वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर्ल योर फिंगर फ्रॉम वी क्रॉस वी थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड तो तुम्हारा क्यू वी भी ऊपर की तरफ है एम जी नीचे की तरफ है ठीक है और अगर तुम इसमें बैठे हो तो तुमको नीचे की तरफ फोर्स लगेगा देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में अंतर है क्या अंतर है कब अंदर रहता है और कब बाहर लगता है एक धागे में एक बॉल को लटकाया मैं उसको अगर मैं गोल घुमा रहा हूं वो बंदा गोल नहीं घूमना चाहता क्योंकि जैसे ही धागा कट गया वो बाहर की तरफ फेंका जाएगा ठीक है ना तो अंदर की तरफ मैं खींच रहा हूं उसे ठीक है ना सो वो जो धागा है ना धागा मैं धागे को खींच रहा हूं धागा उस बॉल को खींच रहा है ठीक है ना तो मैं अगर ग्राउंड फ्रेम से देखूंगा ठीक है ना तो वो नालायक तो बाहर जाना चाहता है फिर क्यों गोल गोल घूम रहा है हाँ क्योंकि कोई उसको अंदर खींच रहा है ठीक है ना कोई उसको अंदर खींच रहा है तो कौन सा फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल ठीक है ना आप अगर ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो तो आप बोलोगे एम वी स्क्वायर बाय आर किधर लग रहा है इधर लग रहा है ठीक है ना अब यहाँ पे जो है एम वी स्क्वायर बाय आर का एक्सचेंज हो रहा है फोर्स इज ऑलवेज एन एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन ने बोला था मरने से पहले क्या बोला था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जैसी करनी वैसा फल ठीक है ना भगवान बोले थे उन्होंने कॉपी किया बस ठीक है तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन कैसे चल रहा है चाची ये बॉल बोलता है टेबल को बेटा तुमको हम एम वी स्क्वायर बाय आर नीचे देंगे टेबल बोलता है हम तुमको एम वी स्क्वायर बाय आर ऊपर देंगे ठीक है ना तो इसको जो है इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन है टेबल है ठीक है टेबल उसको ऊपर की तरफ फोर्स दिया ठीक है ना लेकिन दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं तेरे को दूसरा एग्जांपल है कार में या बाइक में या साइकिल में जब तुम टर्निंग लेते हो ना जब ऐसा टर्निंग लेते हो ना तुम अगर गिरोगे ना बाहर की तरफ गिरोगे अंदर की तरफ नहीं ठीक है झटका जो है बाहर की तरफ लगे तो आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो एमवी स्क्वायर बाय आर बाहर लग रहा है तो एमवी स्क्वायर बाय आर बाहर भी लगता है लेकिन कब लगता है जब तुम गाड़ी में बैठ जाओगे जब तुम इस बॉल में खड़े हो जाओगे जब तुम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दोगे तुम अगर बॉल में बैठे हुए हो यू विल एक्सपीरियंस एमवी स्क्वायर बाय आर आउटवर्ड ठीक है लेकिन अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं तो मैं बोलूंगा नालायक गोल इसलिए घूम रहा है बिकॉज एमवी स्क्वायर बाय आर इज एक्टिंग इनवर्ड हमेशा सर्कुलर मोशन में बाहर और अंदर एमवी स्क्वायर बाय आर ही आएगा कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होगा अगर कोई एक फोर्स भी बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगा बता सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो है अगर अनबैलेंस फोर्सेस हो गए तो प्रॉब्लम क्या होगा चाची बताइए सर्कुलर ऑर्बिट तब वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूमने वाला सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है सर्कुलर मोशन का मतलब है ना बाहर ना अंदर सिर्फ ना अंदर तो ना बाहर ना अंदर इसका मतलब क्या है दोनों फोर्सेस आर बैलेंस अगर वो अनबैलेंस हुआ सर्कल में नहीं जाएगा ए बेटा तू छटपटा मत ना तब से कान पका दिया है पूरा चुप
ठीक है, तुमको पता है मैं मुझे मुझे यकीन है कि तुमको सब आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक आ गया तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल और एक आ गया तुम्हारा सेंट्रीपिटल, पिटल अंदर, ठीक है ना। मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, पिटल जो है पत्ते को बोलते हैं। अब सर्कल सर्कुलर अगर फ्लावर होगा तो उसका पेटल्स तो अंदर ही रहता है ना, थोड़ी बाहर फेंकता है, थोड़ा गंदा तरीका है रिमेम्बरेंस का, ठीक है। बाकी तुम लोग किस तरीके से कंफ्यूजन को दूर भगाओगे वो तुम लोग देख लो, ठीक है ना। पिटल अंदर की तरफ और फ्यूगल जो है वो बाहर की तरफ। फ्यूगल कब बोलेंगे? जब हम लोग अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देंगे, हम लोग इसमें बैठ जाएंगे तो हमें बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, हम बोलेंगे। हम अगर इसमें नहीं बैठे, हम जमीन में बैठे हैं तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तीन फोर्सेस तुमको दिख गया, दिख गया छोटे तीन फोर्सेस कहाँ है? अब आंसर देखते हैं, क्यू वी बी तो मेरे को दिख रहा है, एम जी तो मेरे को दिख रहा है, एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्यू वी बी थ्री एम जी कैसे हो गया रे? नॉर्मल को भूल गया मैं, ठीक है। हाँ, एक नॉर्मल भी तो रहेगा, कॉन्टैक्ट टेबल, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर देयर, अभी तीन ऊपर की तरफ तेरे को दिख रहा है, कौन कौन सा? एम वी स्क्वायर बाय आर, एम जी और क्यू बी बी, ठीक है ना। तो नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल इज अननोन, कितना नॉर्मल लग रहा है, ठीक है ना। दैट इज दैट एग्जैक्टली इज द फोर्स दैट इज बीइंग एग्जर्टेड बाय द टेबल ऑन द प्लेन। अभी अगर मैं यहाँ पे एनएलएम लगाऊ, बॉडी ना ऊपर गया ना नीचे गया, गया क्या, ठीक है ना। बट अगर मैं एनएलएम लगाने जाऊंगा तो मेरे को इस फ्रेम में बैठना होगा, अगर इस फ्रेम में बैठूंगा तो मैं एमवी स्क्वायर बाय आर को किधर कर दूंगा? नीचे, ठीक है ना। मैं ये फ्रेम में बैठ के देख रहा हूँ कि मैं इसमें बैठ गया, मैं देख रहा हूँ कि एम जी नीचे की तरफ है, एमवी स्क्वायर बाय आर नीचे की तरफ है, ऊपर नॉर्मल है और ऊपर क्यू वी बी है। नियम अनुसार एन प्लस क्यू वी बी शुड इक्वल mg plus mv square by r, mv square by r plus mg। मेजोरिटी ऑफ द टाइम सर्कुलर मोशन में हम लोग अपना फ्रेम जो है उसी को बना देते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये किए, मेरे को एक बात का ज्ञान है अच्छे से, ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। आंसर इज नॉर्मल, क्योंकि दैट इज द फोर्स एग्जर्टेड, नॉर्मली तो होता है ना जो एक्सचेंज फोर्स होता है। सो n बन गया तुम्हारा mv square by r plus mg plus qvb अच्छा माइनस क्यू वी बी, ठीक है ना। अब इसको मैं तुम्हारे किसी ऑप्शन के साथ मैच कराने का कोशिश करूंगा। वी के बारे में तो मेरे को पता है कि रूट टू जी आर होगा जी, तो जो जो जहां जहां तुम्हारा वी है वहां वहां रूट टू जी आर कर दे और तुम्हारा आंसर आ गया टू जी आर बाई एम जी, अच्छा नॉट बाई एम जी, बाई आर प्लस एम जी माइनस क्यू बी। आर 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 कट गया, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन था छोटे, बस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये क्वेश्चन में क्यू वी भी नहीं दिखता था, बाकी सब दिखता था। अभी बस क्यू वी भी एक एक्स्ट्रा एंट्री मार दिया। अगर तुम लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ के जाएगा और मैग्नेटिज्म नहीं पड़ेगा, जेई में चार मार्क गया, समझी चाची? एम वी स्क्वायर बाय आर कौन सा लेना है? देखो ये बच्ची एक अच्छा क्वेश्चन पूछी, कौन रिकॉर्ड कर रहा, क्या कर रहा, क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा, तेरा चश्मा दे दे। ऐसी ये बच्ची एक अच्छा क्वेश्चन पूछी है कि पता कैसे चलेगा एम वी स्क्वायर बाय अंदर लेना है या बाहर लेना है एम वी स्क्वायर बाय आर। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कब अंदर होता है और कब बाहर होता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। हम लोग जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेंगे हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल के लिए जो हमें थोड़ा सा अपना डिस्कशन को पॉज करना होगा और हमें वापस चलना होगा वो एनएलएम वाले चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। वहां पे क्या था ना, वहां पे ये वाला मैं पढ़ाया हूँ तुम्हें, मुझे पता है कि मैं पढ़ाया हूँ और अच्छे से पढ़ाया हूँ वो भी पता है, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़े हो ये भी पता होना चाहिए था मेरे को। ये एलिवेटर था चाची, क्लास 11 में था,
ठीक है ना, तुम लोग को भी जानना है ना या नहीं जानना कि किसको आता है? सर बोर कर रहे हैं सर आप, ये सब मेरे को मालूम है। ये एलिवेटर में जो है, एलिवेटर में तनुजा है, ठीक है, अंकिता तू भी है, देविका तू एलिवेटर में नहीं है, ये लोग तुमको नहीं लेके गए अपने साथ, ठीक है ना। अब ये एलिवेटर जो है ना, ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तुम एनएलएम इक्वेशन फ्रेम करोगे, दो लोग एनएलएम इक्वेशन फ्रेम करेंगे, दिस चाची विल ऑब्जर्व तनुजा एंड दिस चाची विल ऑल्सो ऑब्जर्व तनुजा, ठीक है ना। ये तनुजा को देख के उसके एनएलएम इक्वेशन बनाएगी, ये क्या बोलेगी, तनुजा जो है ना उसको नॉर्मल फोर्स लगा ऊपर, तनुजा को एम जी लगा नीचे, और कुछ नहीं। छूट गया तेल लेने, नालायक पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, छोड़ो एक मारूंगा कान के नीचे, चुप। हाँ सही बोली, सुडो नहीं, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ। सी ये चाची जो है, ये चाची को क्या दिखाई दे रहा है कि तनुजा को नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर एन लग रहा है, बट शी कैन विटनेस कि तनुजा इज गोइंग अप। तो इक्वेशन वो कैसे फ्रेम करेगी, वो ऐसे फ्रेम नहीं करेगी कि एन और एम जी कहानी खत्म, वो बोलेगी कि सर साइड में ए लिखिए आप, ऊपर जा रहा है। तो एनएलएम इक्वेशन फ्रेम होता है ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम ए, एम ए, ठीक है ना। तो ये तो इस बच्ची ने तो सही बताया। अभी जो है, अभी मैं किसको, अंकिता को बोलूंगा तू बना एनएलएम इक्वेशन। अंकिता को एक्सेलरेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि चाची तो बगल में खड़ी है, तू तो मूव ही नहीं कर रही है, कहां से एक्सेलरेशन। अंकिता क्या बोलेगी, अंकिता बोलेगी कि सर तनुजा को नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है एम, देयर इज नो एक्सेलरेशन, कहानी खत्म, एन इज इक्वल टू एम जी। तो क्या ये लड़की सही बोल रही है, ये नहीं बोल रही है सही, ठीक है, गलत बोल रही है। तो हमको क्या करना होगा, जब भी हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं, जब भी हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं, देख ये धरती पे थी, ये वहीं पे पहुंच गई, जब भी हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं तभी आता है स्कूल, फोकट में नहीं आता हुआ। ये जब इक्वेशन लिखेगी सूडो फोर्स को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये लेडी जब इक्वेशन लिखेगी तब सूडो फोर्स लिखेगी ये। और सूडो फोर्स का नियम क्या कहता है, सूडो फोर्स कहता है जो ऑब्जर्व किया जा रहा है जिसको, उसका मास इनटू वो सिस्टम का एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब इसका मास अगर एम है तो ये बोलेगी कि सर बच्ची को जो है सूडो फोर्स भी लग रहा है नीचे एम ए। अब ये लड़की बोल सकती है द बॉडी इज नॉट मूविंग, तनुजा इज नॉट मूविंग। तो एज पर दिस गर्ल इक्वेशन क्या बनेगा, सर एन बराबर एम जी प्लस एम ए। अब देखो तो दोनों में से जिसने भी इक्वेशन बनाया सेम ही बनाया, ये देखो, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज जब तुम स्यूडो नहीं लगाना चाहते हो, स्यूडो को निकाल दो, एम वी स्क्वायर बाय आर इज स्यूडो, ठीक है ना, एम वी स्क्वायर बाय आर का कहानी खत्म कर दो, हटा दो एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम एम वी स्क्वायर बाय आर बाकी सारा फोर्सेस को देखो और बोलो कि एक्सिलरेशन इतना हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर मैं स्यूडो लगा के किया था, अगर स्यूडो लगा के नहीं करता तो मैं क्या करता, स्यूडो लगा के नहीं करता तो मैं बोलता सर नीचे का फोर्स इज पावरफुल, अच्छा साइड हो जा रहा है, यहां पर स्यूडो लगाए बिना करता तो मैं बोलता नीचे का फोर्स इज पावरफुल, तो नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। देखते इक्वेशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ किया क्या मैं, ओके गड़बड़ ये किया कि ऊपर का फोर्स पावरफुल है, ठीक है ना। एम वी स्क्वायर बाय आर किधर लग रहा है, मैं बताया था ना, एम वी स्क्वायर बाय आर स्यूडो फोर्स जब बोलोगे तब नीचे इधर मतलब आउटसाइड बोलोगे, जब उसको स्यूडो की तरह नहीं ट्रीट करोगे तो कैसे किधर रहेगा, वो इनसाइड रहेगा। तो एम वी स्क्वायर बाय आर अंदर की तरफ है, तो बॉडी जो है बॉडी को अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स करना था, एम प्लस क्यू वी बी माइनस एम जी करोगे तो एम वी स्क्वायर बाय आर आना चाहिए। अब देखो अब तो इक्वेशन टैली हो जा रहा है ना,
ठीक है yeah. तो जब आप स्यूडो फोर्स इस्तेमाल करोगे तो ऐसे करोगे, स्यूडो फोर्स इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऐसे करोगे, ये तुम्हें लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सीखना था ठीक आज से 365 दिन पहले, ठीक है। अभी अगर तुम लोग 11 का पढ़ाई करोगे तो अगले साल फिर 12 पढ़ना होगा, और क्या, 2 साल का पढ़ाई 3 साल, और इतना तेजी से जाएंगे तो मेरे को तो लगता है कि ना मैग्नेटिज्म चैप्टर खत्म होते होते साल खत्म हो जाएगा, हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं, देख रहे हो ना, तुम लोग जब ऑनलाइन रहते थे ना तो गाड़ी तेजी से भागता था, ऑफलाइन में गाड़ी भाग नहीं रहा, अटक गया है भाई, क्या हो गया तुम लोग को, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में तो उस्ताद थे, हाँ वो इजी चैप्टर था, जो बीत गया वो इजी लगता है, कल को जब एसी पढ़ोगे ना ऑल्टरनेटिंग करंट तब एमएनएम एमईसी इजी बोलोगे, देखना पक्का, ठीक है ना, आ रहे हैं, कालीचरण, कालीचरण जीवित है तू, अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 40, 36 to 40 देख लो, क्वेश्चन रिविजिट कर लो, अगर रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो पीटूंगा फिर बताऊंगा, 37 और 40. थैंक यू, 5 से 3 में आ गए हो तुम लोग, क्यों खड़े हो, बैठ जाओ, बैठ जा, तो उस दिन मेरे लिए आम लाके रखी थी ना, मैं भूल गया, कल देखा आज खाऊंगा, क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 7 के साथ सेम है ना, कौन पूछा, तुम लोग दोबारा घर जाके देखते भी नहीं हो ना, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि जाके रिविजिट करो, पर कौन सा 38 और 28 भी सेम है रे बाबू, हाँ तो भाई क्लास में बैठा हुआ है, ऑनलाइन नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दे, हाँ और कौन सा सेम है, 37 29 कौन पूछा था 37 हो जाएगा, बस 39 बचा, द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट, ये भाई एक चार्ज गोल घूम रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया, राष्ट्रपति खड़ा हो, क्या खाया सुबह, मेरे को भी भूख लग रहा है, नहीं नहीं मेरे लिए दही चूड़ा आया होगा, ठीक है ना, आज दही चूड़ा बन रहा है स्पेशल, तुसी अरे गधो 39 नंबर, 39 कौन पूछा रहे, हो जाएगा पक्का, ए हीरो अभी भी डाउट में, खड़ा खड़ा तू बैठ, तू बैठ, बता तो मेरे को मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बता पहले, करंट इनटू एरिया, एरिया तो तुमको मालूम है पाई आर स्क्वायर, ये उतना भी नहीं मालूम है, करंट की जगह अपन क्या लिखेगा, क्यू बाई टाइम पीरियड, कितना बार पढ़ाऊंगा रे, टाइम पीरियड कैसे मालूम चलेगा तेरे को, बस कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, ये लड़का बोल रहा है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/3, बस वही फॉर्मूला जीवन में पढ़ा है इडियट, कोई बंदा गोल घूमता है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π/ω, 2π/v बात समझो तुम लोग, तेरे जितने दोस्त लोग है ना, मतलब जिनको तुम नहीं जानते, तुम्हारा एज ग्रुप जो अभी क्लास 12 पढ़ रहा है वो एक्चुअली क्लास 12 नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे पास मौका है, इस बार का जेई और नीट में कंपटीशन कम रहेगा, हडिसन बता दूं, देख मैं बताऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोला हूं ना कि गाली देने के बाद मारने के बाद बताऊंगा,
अगर तुम इतना कीमत चुकाने को तैयार है तो ठीक है। पार्टिकल विद स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज बोलने का मतलब है ई बाई एम। अब हो जाएगा क्या फिर? याद रखो ये टर्म जो है ये केमिस्ट्री का टर्म है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्पेसिफिक चार्ज मतलब ई बाई एम रेशियो, ठीक है ना। 36 में जो है, 38 में मैडम जी बोल रही है कि डायरेक्शन नहीं निकला, मतलब नेगेटिव एक्सिस निकला, आंसर पॉजिटिव जेड एक्सिस दिया है। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पॉजिटिव जो आता है उसका उल्टा रहता है, उल्टा होता है। मैं कितना बार बोलूं तो मतलब ब्रेन में अच्छी तरह से कि इंस्टॉल हो जाएगा पूरा की तरह, और पूछेंगे नहीं हम लोग ये चीज। मैं बोल चुका हूं ना नेगेटिव चार्जेस के लिए डायरेक्शन फ्लिप हो जाते हैं, राजप्रतीक बोला था ना। फिर दे रहे 41 से लेके 45 41 42 अगर सेम हुआ ना। सर ऑनलाइन कर रहे हैं सर, तो कल तो तू आएगा ना लाइक, आज ना ऑनलाइन कर रहे हैं। 44 को क्यों छोड़े हो? देख रही है इतना इतना डाउट पूछते हैं बच्चे, ठीक है ना। अगला पेरेंट्स मीटिंग में बोलूंगा जितना होमवर्क देता हूँ सब मैं करता हूँ, 50% नहीं है भाई। एक बच्चा अगर होमवर्क नहीं बनाया है ना वो सिर्फ क्लास में बैठे बैठे उसका होमवर्क खत्म हो जाएगा। झूठ बोल रहा हूँ क्या? नो सर। ये बच्ची जो है लास्ट ईयर बहुत चिल्लाती थी, इस साल पूरा चुपचाप हो गई है, क्या हो गया इसको? कोई जादू टोना किया है क्या तेरे से? मेरी चाची पे जादू टोना किया गया था, ठीक है ना। उसके मेरी चाची जो है वो भूल भुलैया वाला जो है ना आमी चे तोमा वो बन गई थी पूरा। किशन तुमको मालूम है? भूल गया उतना अच्छे से याद नहीं तेरे को? बस इतना छोटा था सर यार। इट एक्चुअली हैपेंड, ठीक है ना। मेरी चाची बिहारी बोल रही थी, आज तक कभी बिहार गई नहीं है और बिहार बिहारी भाषा सीखी नहीं है फिर भी। उसी दिन जो है उसी दिन मैं अपने आप को कन्विंस किया था सुबह सुबह कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, और शाम को सरसा स्टेडियम गया था क्रिकेट खेलने। जब क्रिकेट खेल के अंधेरा हो गया है लौट रहा हूँ तो उस समय मेरे घर में भीड़ है और मेरी चाची का चेहरा देख के मेरा हालत खराब, ठीक है ना। सुबह ही अपने आप अरे बहुत कन्विंस करना पड़ता है, रात को डर लगता है ना इधर उधर जाने के लिए, तो कन्विंस करना पड़ता है खुद को कि भूत कुछ नहीं होता बोल के, ठीक है ना। और मतलब खुद को कन्विंस करने में भी ताकत लगता है, सुबह सुबह इतना मेहनत किया रात को मेहनत बर्बाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 41। A conducting disc of radius r, disc radius r placed in a uniform constant magnetic field parallel disc. With what angular speed should the disc be rotated about its axis such that no electric field develops in the disc? Electric field develop नहीं करेगा, electric field develop नहीं करेगा, electric field कैसे develop नहीं करेगा? रुका हुआ charges भी तो electric field develop करता है। अच्छा न्यूट्रल बॉडी है,
चार्ज बॉडी नहीं है, ठीक है ना, न्यूट्रल बॉडी है, तो होगा क्या? हाँ जी, तुम्हारा प्लेट ऐसे है, सर्कुलर प्लेट, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, क्रॉस तो दे रखा है ना रे, बॉडी इज न्यूट्रल। अच्छा हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा? पॉइंट You see, what will happen? Suno. ठीक है, ये जो डिस्क है, ये डिस्क तो न्यूट्रल है। दो सवाल आया, पहला सवाल, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस को लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब पैदा होता है? तभी पैदा होता है जब चार्ज सेपरेशन होगा। दिस इज ए न्यूट्रल बॉडी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने का चांस नहीं, बट देन द प्रॉब्लम इज इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, तब भी न्यूट्रल बॉडी को मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। प्रॉब्लम तब हो गया जब तुम इसको घुमाना शुरू कर देगा, क्योंकि जब घुमाना शुरू कर देगा तो ये पूरा एक कंडक्टिंग बॉडी है, मतलब इसमें जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है उतना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी है, इतना तो है। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, इमेजिन कर, वो नालायक ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। अभी इफ यू कर्ल योर फिंगर फ्रॉम वी डायरेक्शन टू बी डायरेक्शन, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो अगर तुम इसको घुमाओगे ना, इसको घुमाओगे तो पॉजिटिव चार्ज पेरिफेरी की तरफ आने लगेगा, ऐसे ऐसे बहेगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको बाहर ढकेल रहा है, तो ये वाला जोन जो है, ये जोन पॉजिटिव जोन बनना शुरू हो जाएगा, और सेंटर क्या बनना शुरू हो जाएगा? सेंटर जो है वो नेगेटिव जोन बनना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हारा चार्ज सेपरेशन पैदा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना। तुमको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा चार्ज सेपरेशन? चार्ज से गोल घुमाने से तो होगा ही चार्ज सेपरेशन, होगा ना? ऑप्शन देखना पड़ेगा। 2πm mv स्क्वायर बाय r, एम आर ओमेगा स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 41 ज्यादा समय लेगा, कुछ तो है इसका आंसर, इसे मैं कल बताता हूँ, सर्कल करके रख दो। 42 में आते हैं,
टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू मासेस इतना इतना एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक सेम पॉइंट विद स्पीड वी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर दे विल मीट अगेन. एक चार्ज पार्टिकल है क्यू और एक चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू. कौन पूछ रहा था ये? रेज हैंड. मास एम, मास फोर एम. बोला रे आयुष का नहीं है डाउट. ठीक है. एंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये दोनों कैसे घुसा? एक ही पॉइंट में, एक ही पॉइंट से एंट्री किया है दोनों के दोनों. ठीक है ना. एट एन एंगल थीटा, थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड में इमेजिन कर लेता हूँ कैसा रखना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को. ऐसा रखना चाहिए एरो ऊपर. तो एरो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया? ये छोटा एंगल बनाया. ये ज्यादा अच्छा दिखेगा. मैग्नेटिक फील्ड का लाइन और ये एंट्री पॉइंट का लाइन, ये एंगल है थीटा. ठीक है. तो अब इसके बाद बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेट एट द सेम पॉइंट विद स्पीड वी the displacement from the starting point where they will meet again ye to aise karke nikal lega kyunki charges alag hai to dono ka to ghumne ka chance same nahi hai. एक बंदा ऐसे घूमने वाला है, दूसरा ऐसे घूमने वाला है. देखो इसका कोई शॉर्टकट तरीका हो तो अलग बात है, नहीं तो कचड़ा होने वाला है. अभी पहले तो बात करना बंद करो. दिस इज एंगल थीटा. पहला वाला जो है चार्ज क्यू है. ठीक है. तो चार्ज क्यू के साथ क्या होने वाला है? टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्जेस. ऐसा भी तो मेंशन नहीं किया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है. मेंशन करना चाहिए था. टाइम पीरियड निकालना. लेकिन पूरा का पूरा टाइम अंदर में घूमेगा क्या जो टाइम पीरियड निकालेगा? एक्चुअली क्या है, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा था वो गलत है. दिस इज हेलिकल मोशन. ठीक है. हेलिकल मोशन. मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहता था और तुम इसमें अगर एट एन एंगल थीटा अगर एक बॉडी को एंट्री कराता था वो नालायक कैसे घूमता था? इस तरीके से घूमता था. ठीक है ना. ऐसे क्वेश्चन में हेलिकल डिस्क्राइब नहीं किया है, मैं ऑप्शन देखने के बाद इन्फर किया. ठीक है ना. अब ये जो पूरा सिचुएशन है ना, ये पूरा गेम को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ. इट इज लाइक ये ऐसे जो बना हुआ है इसको मैं दोबारा बनाता हूँ ऐसे करके. ठीक है ना. तो ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को डॉट दिखाई देगा. राइट. अभी मैग्नेटिक फील्ड डॉट दिखाई देगा. मान लो इस पॉइंट से जो एंट्री किया है एक बंदा, जो एक बंदा सर्क मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा बंदा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि एक प्लस क्यू है माइनस क्यू है. लेकिन भाई जिस एक का जिसका चार्ज पॉजिटिव है उसका रेडियस बड़ा होगा छोटा होगा?
चार्ज पॉजिटिव, जिसका चार्ज पॉजिटिव है क्यू वाला, उसका मास कितना है? और माइनस क्यू वाले का मास कितना है? 4m. ठीक है ना, तो जो 4m है रेडियस क्या बनता है? रेडियस इक्वल टू mv / qv बनता है. चार्जेस सेम है दोनों का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम, मैग्नेटिक फील्ड में और सेम वेलोसिटी. मतलब जिसका मास चार गुना है उसका रेडियस भी चार गुना बड़ा रहेगा. तो ये पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट में एक बंदा ऐसे घूम रहा है और दूसरा बंदा जो है उससे चार गुना, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है ना. ये माइनस क्यू जो है, ये माइनस क्यू चार्ज का है ट्रैजेक्टरी, यहां से शुरू किया वो ऐसे घूमना, और प्लस क्यू जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लस क्यू जो है प्लस क्यू ऐसे घूमना शुरू किया, ठीक है ना. माइनस क्यू वाले का चार्ज क्या बोलते हैं, माइनस क्यू वाला जो है, माइनस क्यू वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है और प्लस क्यू वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना. अगर ये डॉट की जगह क्रॉस हो जाएगा तो दोनों बदल जाएंगे, वॉट एवर. शुरुआत यहां से किया, दोनों के लिए टाइम पीरियड भी सेम लगेगा, क्योंकि टाइम, टाइम जो है, टाइम क्या बनता है, अच्छा टाइम मास के ऊपर डिपेंड करता है, 2πm/qv, सब सेम है. तो दोनों का टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है ना. ये दोनों दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे, कौन से पॉइंट में मिलेंगे? इसी पॉइंट में मिलेंगे. देखो हो क्या रहा है, ये बंदा ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ऐसे हेलिकल पाथ आगे जा रहा है, और ये नालायक ऐसे ऐसे घूम रहा है हेलिकल पाथ, ठीक है ना. हेलिकल पाथ में दोनों का पिच सेम होगा, क्यों? दोनों हमेशा कितना आगे जा रहा है, कितना वेलोसिटी से आगे जा रहा है, वी कॉस थीटा. पिच सिखाया गया था तुमको, पिच मतलब एक सर्कल मारते मारते कितना आगे चल जाएगा. तो दोनों नालायक जो है घूम रहे हैं अलग अलग टाइम टाइम पीरियड में, लेकिन फिर भी जो है दोनों का पिच सेम है, ठीक है ना. नाउ वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन इज, ये दोनों दोबारा मिलेंगे कहीं पर भी, तो इसी पॉइंट में मिलेंगे ना, लाइक ऐसे ऐसे जो जा रहे हैं इसी पॉइंट में कहीं, इसी लाइन में किसी जगह एक बार मिलने वाले, क्योंकि अदरवाइज तो मिलने का चांस नहीं. इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से बोलने का, ठीक है ना. ऑनलाइन सर, ये तो खाली पहला केस होगा ना, मतलब फिर उसके बाद तो रेडियस बढ़ जाएगा, तो स्पाइरल, रेडियस सुन सुन सुन, स्पाइरल में रेडियस कभी नहीं बढ़ता, रेडियस रिमेन सेम. कौन बोला रेडियस बढ़ता है? जो माइनस टू का तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, तो मतलब मैं उसके बारे में अभी तक डिस्कशन नहीं किया कि माइनस क्यू का रेडियस बड़ा है और प्लस क्यू का रेडियस छोटा है. मैं बस इतना बोला, पहला पॉइंट मैं बोला कि दोनों स्पाइरल में घूमेंगे और आगे जाएंगे, ठीक है ना. इतना एग्री करता है? हाँ सर. दूसरा, दोनों का आगे जाने का वेलोसिटी सेम होगा, आगे जाने का. इतना एग्री करता है? हाँ सर, ठीक है ना. लेकिन दोनों का टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. टाइम पीरियड जो है वो 2πm/qv बनेगा, तो टाइम पीरियड जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे को भी दिख रहा है, ठीक है. तो एक का मास अगर चार है, फोर टाइम्स ज्यादा है, तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, आई नो इट, ठीक है ना. ये आएगा, अभी अगला पॉइंट में आएगा. ये पॉइंट में आने से पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूं, व्हेन एवर दे विल मीट ईच अदर, इट इज पक्का कि इसी लाइन में कहीं पे मीट होने वाला है, अदरवाइज दे विल नेवर मीट, क्योंकि इसका सर्कल का रूट अलग है, उसका सर्कल का रूट अलग है, ठीक है ना. इसी लाइन में मीट होने वाला मतलब क्या है, उन लोगों को जो है, उन लोगों को कंप्लीट सर्कल घूमना होगा, लाइक आधा सर्कल घूमने के बाद तो मिल नहीं सकते ना, ठीक है ना. अब आते हैं तुम्हारा टाइम पीरियड के फैक्टर पे. ये नालायक जो है, ये नालायक ज्यादा मास किसका है? माइनस क्यू का. ये जो है टाइम पीरियड ले रहा है टी, ये टाइम पीरियड ले रहा है फोर्टी. टाइम का एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ, टाइम टी का वैल्यू 1 सेकंड. ये 1 सेकंड में पूरा गोल घूम जाएगा, ये 1 सेकंड में इतना घूमे रहेगा, ठीक है ना. हेलिकल पाथ के अनुसार अगर मैं बताऊं, तो हेलिकल पाथ में एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, क्योंकि आगे जाने का जो है, आगे जाने का वेलोसिटी दोनों का सेम है, वी कॉस थीटा, ठीक है. बट द थिंग इज, गलत बना दिया वहां पे, दोनों आगे अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है, तो 1 सेकंड में ये छोटा वाला जो है एक सर्कल खत्म कर देगा. आप समझो, स्टडी में नहीं बना पा रहा हूं, लाइक ऐसे, ठीक है ना, एक सर्कल खत्म कर दिया, ऐसे करके जाके आगे चला गया 1 सेकंड में, ठीक है ना. ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला उस समय जो है सिर्फ इतना घूमा है, लेकिन उसी पॉइंट में, लाइक दोनों का जो है, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा. समझ पा रहे हो ना? ठीक
ठीक है ना, इस साइड का वेलोसिटी सेम है, क्योंकि इस साइड का वेलोसिटी सेम है इसलिए दोनों जो है दोनों का ये कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहने वाला है, लेकिन दोनों का जो है रेडियस अलग अलग है, घूमने का स्पीड अलग अलग है, ठीक है ना। तो जब तक ये एक चक्कर काट लिया है, ऐसे ऐसे एक चक्कर काट लिया है, तब तक ये उतना ही आगे गया, बट ये 1/4 ऑफ द चक्कर काटा है। अंडरस्टूड, ठीक है ना। ये और एक चक्कर काट लेगा जब तक, तब तक ये बस अपना आधा आधा चक्कर काटेगा, ठीक है ना। ये चार चक्कर काट लेगा तब ये नालायक पूरा और ये ना वन कंप्लीट रोटेशन होगा। अब भाई 3D कहां से बनेगा, ठीक है। तो दे विल मीट ईच अदर आफ्टर छोटा वाला का 4 टाइम पीरियड या फिर बड़ा वाला का 8 टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो अभी अगर छोटे वाले को देखोगे तुम, छोटे वाले का टाइम पीरियड, अब उसके बाद जो है तुमको बोला है डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा इधर का वेलोसिटी v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, दोनों का इधर का वेलोसिटी v cos थीटा है, टाइम पीरियड छोटे वाले का 4 टाइम्स या फिर बड़े वाले का 1 टाइम, जो लेना है लो, ठीक है ना। तो बड़े वाले का 1 टाइम ले लेते हैं, बड़े वाले का 1 टाइम कितना है, 2πm/qb, नहीं बड़ा वाला, बड़ा वाला का m नहीं है, बड़ा वाला का 4m है, ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। ये थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला चीज था। तो लास्ट वाला और एक बार थोड़ा बोल दो। नहीं तेरे को तो नहीं बताऊंगा सर, मुझे बताया। तेरे को क्यों बताओ, देख मेरे को जो है, मेरे को एक आइसक्रीम चाहिए, बहुत दिन हो गया मैं आइसक्रीम खाया नहीं हूँ। आंसर अलग दिया है क्या, तब और क्या बताऊं मैं, नहीं गलत दिया ऐसा थोड़ी होगा, पक्का सुबह जब तू आया था ना तभी मैं बोला था ये चीज, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं होता, मैं भी गलत हो सकता हूँ, बस मैं एक चीज अश्योर कर रहा हूँ कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं जिस दिन मेरे को रियलाइज होगा कि मैंने गलती किया मैं सुधारूंगा, पक्का है। सही दिया आंसर, ठीक है। और आप भी ध्यान रखना, जब आप भी बड़े हो जाओगे ना तो आप भी गलतियां करोगे, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। हाँ तुम लोग के सामने मैं खड़ा हूँ इसलिए तुम लोग सोचते हो कि मेरे से गलती नहीं होता, मान लेता हूँ चलो फिजिक्स में गलती नहीं होता, लेकिन लाइफ में तो बहुत गलतियां करता हूँ ना। ओहो नेट प्रॉब्लम हो रहा है, नेट प्रॉब्लम हो रहा है तो तुमको यहाँ आना चाहिए था ना, तो काहे को घर में बैठा है ना लाइक। देख मैं बोला कि ये जब तक एक चक्कर काटेगा 4t तब तक ये अपना 4 चक्कर काट चुके रहेगा, सो दे विल मीट ईच अदर वंस अगेन आफ्टर एक चक्कर ऑफ बड़ा वाला और 4 चक्कर ऑफ छोटा वाला, ठीक है ना। देन आफ्टर दे विल मीट, तो तब तक ये लोग कितना आगे निकल जाएंगे, v cos थीटा इनटू दिस वन, किसका टाइम पीरियड, 1 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ बड़ा वाला या फिर 4 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ छोटा वाला। क्वेश्चन नंबर 43, साढ़े 9 बज जाए यार 10 क्वेश्चन में आज। कहाँ से शुरू किए थे, 32 In the question of 43, in the figure shown, a fixed charge particle of B of mass is given a velocity as shown at this moment, the radius of curvature and the of the resultant path is. ये मैग्नेटिज्म का तो क्वेश्चन नहीं, यहाँ का एक आ गया। A is a fixed charge. जूम आउट हो गया। जूम आउट कैमरा। अच्छा जूम आउट, कुछ खराब नहीं दिख रहा, अच्छा ही दिख रहा है। स्ट्रक्चर छोटा छोटा दिख रहा है। ब्लर होने से कुछ नहीं दिखेगा। Thank you.
क्या ठीक नहीं हो रहा है? पार्टिसिपेंट तुम लोग रहना कहीं ज्यादा मत, मैं एक बार जो मीटिंग बंद करके स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है? रुक प्रियंश, प्रियंश रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तेरे को होस्ट बना देता हूँ। सॉरी मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूंगा और क्या करूंगा, नहीं हो रहा है, तीन चार बार ट्राई किया। मेरे को बता हाँ क्वेश्चन नंबर 43 कैसे बनेगा? कौन दास?
रन देना जगह ही नहीं है, बुलाइए उसको। ये क्यों है ठीक है। अब अगर इसको तुम ऐसे मारोगे, इस तरीके से मारोगे, इसके साथ होने क्या वाला है? क्या नाम है इसका? हाँ तू बता। अगर इसको ऐसे ऐसे तो मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों जो है, ये दोनों का एक दूसरे से पटरी खाता नहीं, ठीक है ना। अब सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। रिपेल देन द सिचुएशन दैट विल हैपन। ऐसी कैसे सिचुएशन होगा पता है? ऐसे 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 करके चला जाएगा, ऐसे ही भागेगा। सो इन दिस ब्रीफ मोमेंट, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे ऐसे तो कभी वो गोल घूमने वाला है नहीं, क्योंकि रिपल्सन की वजह से वो नेचुरली दूर जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एट दिस मोमेंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिजल्टेंट पाथ ऑफ बी इज, ठीक है ना, बी का जो रिजल्टेंट पाथ जो भी बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ठीक है। तेरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी का दो कॉम्पोनेंट पैदा होगा, इधर क्या आएगा? वी कॉस 60, ठीक है ना। इधर क्या आएगा? साइन। फोर्स जो लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो इसका, सॉरी उसका बोलने का, उससे पहले बोलूं इस लाइन में लगेगा, इधर फोर्स लगेगा पक्का। तो मैं बता सकता है क्या ये फोर्स उसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट को छेड़ सकता है, दूसरा कंपोनेंट को छू भी नहीं सकता? कौन सा कॉस्ट कंपोनेंट को ऊपर नीचे कर सकता है? वो साइन कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बॉडी का इस एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अगर अंदर का और बाहर का फोर्स बैलेंस है, बैलेंस्ड कहाँ है? नहीं है बैलेंस, ठीक है ना। इसीलिए तो आगे या पीछे निकल जाएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो नहीं दिया है। एम वी साइन 60 स्क्वायर by radius mv square by r is equal to kq square by r square। देखो एक्सप्रेशन कुछ आया क्या? ठीक है मैं ही निकाल देता हूं, किसी के साथ मैच कर रहा है? इतना गंदा क्यों दिख रहा है ये? हाँ देखते हैं। 3/4 रूट 3/2 का एम वी स्क्वायर बाय इतना आर इज इक्वल टू के का वैल्यू होता है 4π ε₀ आर स्क्वायर। 4 कट गया तो 16 तो नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या 16? बाकी पूछा क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर आर भी कट गया, गोटे आर बचा, तो वो बना तुम्हारा क्यू स्क्वायर समझा नहीं। देखो सबसे पहला तो है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर मोमेंट में बदलेगा, ठीक है ना। क्यों बदलेगा? बिकॉज दिस इज नॉट ए प्रॉपर सर्कल, दिस इज अ कर्व, ठीक है ना। ये कर्व जो है इसका एक्सप्रेशन बनाओगे तो आइदर ये पैराबोलिक आएगा, हाइपरबोलिक आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस मोमेंट में, जब उस मोमेंट में अगर उसका तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है ना, तो तुमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला हेल्पफुल रहेगा उस समय, वो है एमवी स्क्वायर बाय आर। क्योंकि वही आर जो है वो आर किसका रहता है? उस अगर वो गोल उस समय जो है पूछ रहा है उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मोमेंटरली इस जिस पाथ में जा रहा है, मोमेंटरली जिस पाथ में जा रहा है उस पाथ का रेडियस ऐसे, ठीक है ना। तो अगर उस पास में घूम रहा है तो एमवी स्क्वायर बाय आर ही है ना वो, और क्या रहेगा, ठीक है। और उसमें जो है उसमें हम लोग कौन सा फोर्स ले लिए, ठीक है, एमवी साइन 60। ये किसी के साथ लेकिन मैच नहीं कर रहा यार, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। ऐसा थोड़ी ही साइन 60 हटा देंगे तो हो जाएगा, साइन 60 लगेगा। सर ऐसे कर सकते हैं ना, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू कूलम फोर्स। देखो कूलम फोर्स जो है ना, कूलम फोर्स उसका एम वी स्क्वायर बाय, ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं, ये बच्चा बोल रहा है और मनीष चौधरी बोल रहा है कि सर एम वी स्क्वायर बाय आर को आप सीधा कर दीजिए ना, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर।
ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर तुम इस तरीके से ट्रीट करोगे तो होने क्या वाला है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, एंड यू आर अज्यूमिंग दिस शुड बी द सर्कल, लाइक ऐसे। नहीं सर, वो जो कूलम फोर्स में वो डिस्टेंस डी ले लीजिए जो कि रुक सर दिया है। मनीष तेरे से बाद में बात करूंगा। तुम लोग जो हाँ बोल रहे हो, जब एक बंदा सर्कल में घूमता है ना तो फोर्स ऐसे रहता है सेंटर की तरफ, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो ऐसे है, ठीक है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस करेगा। कौन सा वी? ये वाला वी नहीं। एक बंदा जब गोल घूमता है उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी रहता है वी, अंदर फोर्स बनता है, रुक ना रे तेरे से बात करूंगा मैं, एम वी स्क्वायर बाय आर, और फोर्स जो है फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द रीजन वी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द वेलोसिटी। हाँ आप बोल, क्या बोल रहे हैं सर? वो जो आप एम वी स्क्वायर बाय आर में किए वो तो रेडियस मतलब सर्कल का होगा ना, थोड़ी ना आर होगा, छोटा आर होगा, वो तो सर्कल का रेडियस होगा ना। हाँ तो सर्कल का ही तो रेडियस पूछ रहा है। हाँ तो सर आप कैंसिल कर दिए ना, तो वही से प्रॉब्लम है सर। केक्यू स्क्वायर वाला तो डिस्टेंस का आर होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये केक्यू स्क्वायर बाय। हाँ सर, केक्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है सर। खाली इसको डी लिखते हैं, डी इज समथिंग व्हिच वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट, और इसको लिखेंगे केक्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है यहाँ पे क्या था, आर जो है आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था, और मैं जो हूँ मैं ये सर्कल का जो है सर्कल का रेडियस को मैं डी ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई एम सपोज टू कैलकुलेट डी, मैं आर के साथ उसको कैंसिल कर दिया। अब कोई अब कहीं आ रहा है क्या? अब भी नहीं आ रहा, उल्टा आ रहा। एम वी थ्री बाई फोर डी फोर पाई एप्साइलन नॉट Q स्क्वायर और R स्क्वायर, उल्टा आया। कौन बोल रहा था उल्टा आ रहा है? आ गया ना, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं? ऑप्शन डी। कौन सा एम वी स्क्वायर होगा? अच्छा ठीक है ना, सो देयर इज वन इक्वेशन ओनली, एक इक्वेशन और आंसर आ गया। तो तुमको यहाँ पे एक पॉइंट जो अच्छे से समझ लेना है, ये क्वेश्चन लास्ट होगा क्योंकि और तो समय हो गया है, ध्यान दीजिए जी, मनीष चौधरी जी आप भी, आपको अच्छे से समझ लेना है कि हमें डायरेक्टली जो है एम वी स्क्वायर बाय आर को के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर के साथ इक्वेट नहीं करना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो फोर्स लगता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो जो इसका कर्वेचर रहेगा, जो भी इसका कर्वेचर बनने वाला है, ऐसा कर्वेचर नहीं बनना चाहिए, रादर कैसा बनना चाहिए मैं बोल रहा हूं, द कर्वेचर शुड बी लाइक दिस, ऐसा। तभी क्या होगा, तभी ये जो फोर्स है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रहना चाहिए। हम क्या करें वेलोसिटी अगर उधर नहीं है तो, ठीक है ना। तो वेलोसिटी हमारा कैसा था? वेलोसिटी ऐसा था, v का दो कंपोनेंट निकालेंगे, ये कंपोनेंट और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर जो आ रहा है v sin थीटा, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे mv स्क्वायर बाय r में, ठीक है ना। v sin थीटा का इस्तेमाल होगा, क्यों? mv sin थीटा होल स्क्वायर बाय r, क्यों mv sin थीटा का इस्तेमाल होगा, cos थीटा का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब कोई बॉडी गोल घूमता है तो उसका वी जो हम लोग जो एमवी स्क्वायर बाय आर लेते हैं उसमें कौन सा वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं? टेंजेंशियल। जो बॉडी गोल घूमता है उसका रेडियल वेलोसिटी कुछ नहीं होता, ठीक है ना, उसका क्या होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये बॉडी गोल नहीं घूम रहा है इसलिए इसका दो दो वेलोसिटी है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, ठीक है ना। तो रेडियल वेलोसिटी क्या तेल लेने मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज समथिंग आई विल कंसीडर इन एमवी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। तो टेंजेंशियल क्यों मैं एमवी साइन थीटा लिखूंगा, समझा? एग्जाम में ऐसे ही नहीं कर देना। ये क्यों गलत है समझ में आया ये वाला? ड्रैगन फ्रूट बता बता दो, नहीं सीधा है, इसलिए गलत है क्योंकि सर्कुलर मोशन में फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है सेंटर की तरफ नहीं है,
ठीक है ना, इसलिए ऐसा सर्कल का चांस ही नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये सर्कल को नहीं कंसिडर करोगे, इसे कंसिडर करोगे। चलें 33 से 43, व्हाट ए पेस। कहां तक होमवर्क दिया? 100 तक दिया। आई रिपीट, कल जब आओगे आगे का क्वेश्चन एक बार ओवरव्यू करके आना कि तुमसे बनेगा या नहीं, ठीक है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाता है लेकिन फिर भी हम लोग ओवरव्यू करके ही नहीं आते और यहाँ आके बोलते हैं कि सर बना ही नहीं। सर 43 का आंसर तो 1 दिया हुआ है। आंसर यस सर, आंसर ना ले, ठीक है। 43 का आंसर 1 दिया है, लोग बोल रहे, देखो तो ठीक है। एक बार इंटरनेट में चेक कर लो, ये है आंसर, टेंशन ना। आंसर यही है चाची, थोड़ी गलत पढ़ाऊंगा। हरे कृष्ण। हाँ, डीएवी वाले बच्चे बगल वाले रूम में जाए, और यहाँ पे कौन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री कल का क्या होते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री होता है ना, कल मैथ्स हुआ था ना, तो मैथ्स वाले बच्चे यहीं बैठा करो, केमिस्ट्री वाले बच्चे निकल लो, वो रूम चले जाना, टीवी रूम चले जाना, वो रूम टीवी रूम खाली है, ये रूम 11 बैठे हैं आज, टीवी रूम चले जाना। चल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। आज का रिकॉर्डिंग नहीं किया मैंने।